श्री महाभारतम राजधर्मानुशासन पर्व तैतीसवा अध्याय व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाते हुए काल की प्रबलता बताकर देवासुर संग्राम के उदाहरण से धर्मद्रोहियों के दमन का औचित्य सिद्ध करना और प्रायश्चित करने की आवश्यकता बताना व्यास जी बोले राजन क्षत्रिय श्रोमणे तुम क्षत्रिय धर्म का बारंबार स्मरण करते हुए विषाद ना करो क्योंकि ये सभी क्षत्रिय अपने धर्म के अनुसार मारे गए हैं वो संपूर्ण राजलक्ष्मी और भूमंडल व्यापी महान यश को प्राप्त करना चाहते थे परंतु यमराज के के विधान से प्रेरित हो काल के गाल में चले गए, न तुम न भीमसेन न अर्जुन और ना ही नकुल सहदेव उनका वध करने वाले हैं काल ने बारी बारी से आकर अपने नियम के अनुसार उन सभी देहधारियों के प्राण ले लिए हैं काल के माता-पिता नहीं है उसका किसी पर भी अनुग्रह नहीं होता जो प्रजा वर्ग के कर्म का साक्षी है उसी काल ने तुम्हारे शत्रुओं का संहार किया है भरत श्रेष्ठ काल ने इस युद्ध को निमित्त मात्र बनाया है वो जो प्राणियों द्वारा ही प्राणियों का वध करता है वही उसका ईश्वरीय रूप है राजन ज्ञात होना चाहिए कि काल जीव के पाप और पुण्य कर्मों का साक्षी है वो कर्म की डोरी का सहारा ले भविष्य में होने वाले सुख और दुख का उत्पादक होता है वही अनुसार कर्मों का फल देता है महाबाहु तुम युद्ध में मारे गए उन क्षत्रियो के भी ऐसे कर्मों का चिंतन करो जो उनके विनाश के कारण थे और जिनके होने से ही उन्हें काल के अधीन होना पड़ा तुम अपने आचार व्यवहार पर भी ध्यान दो कि तुम सदा ही नियम पूर्वक उत्तम व्रत के पालन में लगे रहते थे तो भी विधाता ने बलपूर्वक तुम्हें अपने अधीन करके तुम्हारे द्वारा ऐसा निष्ठुर कर्म करवा लिया जैसे लोहार या बढ़ई का बनाया हुआ यंत्र सदा उसके चालक के अधीन रहता है उसी प्रकार यह सारा जगत काल युक्त कर्म की प्रेरणा से ही सचेष्ट हो रहा है प्राणी किसी व्यक्त कारण के बिना ही दैवात उत्पन्न होता है और दैव इच्छा से ही अकस्मात उसका विनाश हो जाता है ये सब देखकर शोक और हर्ष करना व्यर्थ है हे राजन तथा भी तुम्हारे चित्त में जो यहां उन सबको मरवाने के कारण झूठे ही चिंता और पीड़ा हो रही है इसकी निवृत्ति के लिए प्राश्चित कर देना उचित है अतः तुम अवश्य प्रायश्चित करो पार्थ ये बात सुनी जाती है कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम के अवसर पर बड़े भाई असुर और छोटे भाई देवता आपस में लड़ गए थे उनमें भी राजलक्ष्मी के लिए ही बत्तीस हजार वर्षो तक बड़ा भारी संग्राम हुआ था देवताओं ने खून से भीगी हुई इस पृथ्वी को एकारण में निमग्न करके दैत्यों का संहार कर डाला और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया भारत इसी प्रकार पृथ्वी को भी अपने अधीन करके देवताओं ने तीनों लोकों में शालावृक नाम से विख्यात उन अट्ठासी हजार ब्राह्मणों का भी वध कर डाला जो वेदों के पारंगत विद्वान थे और अभिमान से मोहित होकर दानवों की सहायता के लिए उनके पक्ष में जा मिले थे जो धर्म का विनाश चाहते हुए अधर्म के प्रवर्तक हो रहे हों उन दुरात्माओं का वध करना ही उचित है जैसे देवताओं ने उदंड दैत्यों का विनाश कर डाला था यदि एक पुरुष को मार देने से कुटुंब के शेष व्यक्तियों का कष्ट दूर हो जाए और एक कुटुंब का नाश कर देने से सारे राष्ट्र में सुख और शांति छा जाए तो वैसा करना सदाचार या धर्म का नाशक नहीं है नरेश्वर किसी समय धर्म ही अधर्म रूप हो जाता है और कहीं अधर्म रूप दिखने वाला कर्म ही धर्म बन जाता है इसलिए विद्वान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए पांडुनंदन तुम वेद शास्त्रों के ज्ञाता हो तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के उपदेश सुने हैं इसलिए अपने हृदय को स्थिर करो शोक से विचलित ना होने दो हे भारत तुमने तो उसी मार्ग का अनुसरण किया है जिस पर देवता लोग पहले से चल चुके हैं पांडव शिरोमणे तुम्हारे जैसे लोग नरक में नहीं गिरेंगे शत्रु संतापी नरेश तुम इन भाइयों और को आश्वासन दो। जो पुरुष हृदय में पाप की भावना रखकर किसी पाप कर्म में प्रवृत्त होता है उसे करते हुए भी उसी भावना से भावित रहता है तथा पाप कर्म करने के पश्चात भी लज्जित नहीं होता उसमें वो सारा पाप पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है ऐसा शास्त्र का कथन है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है तथा प्रायश्चित से से भी उसके पाप कर्म का नाश नहीं होता है। तुम तो जन्म ही शुद्ध स्वभाव के हो तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा बिल्कुल नहीं थी शत्रुओं के अपराध से ही तुम्हें इस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा तुम ये युद्ध कर्म करके भी निरंतर पश्चाताप ही कर रहे हो इसके लिए महान यज्ञ अश्वमेध ही प्रायश्चित बताया गया है महाराज तुम इस यज्ञ का अनुष्ठान करो ऐसा करने से तुम पाप रहित हो जाओगे मरुदगढ़ों सहित भगवान पाक शासन इंद्र ने शत्रुओं को जीतकर एक एक करके सौ बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया इससे वे शतक्रतु नाम से विख्यात हो गए उनके सारे पाप धुल गए उन्होंने स्वर्ग पर विजय पाई और सुखदायक लोकों में पहुंचकर वो इंद्र संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए मरुदगणों के साथ शोभा पाने लगे स्वर्ग लोक में अप्सराओं द्वारा पूजित होने वाले शचीपति देवराज इंद्र संपूर्ण देवता और महर्षि भी उपासना करते हैं अनग तुमने भी इस वसुंधरा को अपने पराक्रम से प्राप्त किया है और भुजाओं के बल से समस्त राजाओं को परास्त किया है राजन अब तुम अपने सूर्दयों के साथ उनके देश और नगरों में जाकर उनके भाइयों पुत्रों अथवा पौत्रों को अपने अपने राज्य पर अभिषिक्त करो जिनके उत्तराधिकारी अभी बालक हों या गर्भ में हों, उनकी प्रजा को समझा बुझाकर सांत्वना द्वारा शांत करो और सारी प्रजा का मनोरंजन करते हुए इस पृथ्वी का पालन करो जिन राजाओं के कोई पुत्र नहीं हो उनकी कन्याओं को ही राज्य पर अभिषिक्त कर दो ऐसा करने से उनकी स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण होगी और वो शोक त्याग देंगी भारत इस प्रकार सारे राज्य में शांति स्थापित करके तुम उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो जैसे पूर्व काल में विजय इंद्र ने किया था क्षत्रिय श्रोमणे वो महामनस्वी क्षत्रिय जो युद्ध में मारे गए हैं शोक करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वो काल की शक्ति से मोहित होकर अपने ही कर्मों से नष्ट हुए हैं कुंती कुमार भरत नंदन तुमने तो क्षत्रिय धर्म का पालन किया है और इस समय तुम्हें ये निष्कंटक राज्य मिला है अतः अब तुम उस धर्म की ही रक्षा करो जो मृत्यु के पश्चात सबका कल्याण करने वाला है इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित्तीय पाख्यान विषयक तैतीसवा अध्याय पूरा हुआ चौतीसवां अध्याय जिन कर्मों के करने और ना करने से करता प्राश्चित का भागी होता और नहीं होता उनका विवेचन युधिष्ठिर ने कहा पितामह किन किन कर्मों को करने से मनुष्य प्राश्चित्य का अधिकारी होता है और उनके लिए कौन सा प्राश्चित करके वो अपने पाप से मुक्त होता है इस विषय में ये मुझे बताने की कृपा करें व्यास जी बोले राजन जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण ना करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है वो इस विपरीत आचरण के कारण प्रायश्चित का भागी होता है जो ब्रह्मचारी सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय तक सोता रहे तथा जिसके नख और दांत काले हों उन सब को प्रायश्चित करना चाहिए कुंती नंदन इसके सिवा परिवेदता बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई परिवेती परिवेत्ता का बड़ा भाई ब्रह्म हत्यारा और जो दूसरों की निंदा करने वाला है वो तथा छोटी बहन के विवाह के बाद उसकी बड़ी बहन से विवाह करने वाला ज्येष्ठ बहन के अविवाहित रहते हुए ही उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वो ब्रह्मचारी द्विज की हत्या करने वाला अपात्र को दान देने वाला सुपात्र ब्राह्मण को दान न देने वाला ग्राम का नाश करने वाला मांस बेचने वाला तथा जो आग लगाने वाला है जो वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला एवं स्त्री और शूद्र का वध करने वाला है इनमें पीछे वालों से पहले वाले अधिक पापी हैं, तथा पशु वध करने वाला दूसरों के घर में आग लगाने वाला झूठ बोलकर पेट पालने वाला गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला ये सभी पापी माने गए हैं इन्हें प्रायश्चित करना चाहिए इनके सिवा जो लोक और वेद से विरुद्ध करने योग्य कर्म हैं, उन्हें भी बताता हूं। तो एकाग्र चित्त होकर सुनो और समझो भारत अपने धर्म को त्याग देना और दूसरों के धर्म का आचरण करना यज्ञ के अनधिकारी को यज्ञ कराना तथा अभक्ष्य भक्षण करना शरणागत का त्याग करना और भरण करने योग्य व्यक्तियों का भरण पोषण ना करना एवं रसों को बेचना पशु पक्षियों को मारना और शक्ति रहते हुए भी अग्न्याधान आदि कर्मों को ना करना नित्य देने योग्य गोग्रास आदि को ना देना ब्राह्मणों को दक्षिणा ना देना और उनका सर्वस्व छीन लेना धर्म तत्व के जानने वालों ने ये सभी कर्म ना करने योग्य बताए हैं राजन जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है गुरु की शैया पर सोता है ऋतुकाल में भी अपनी पत्नी के साथ समागम नहीं करता वो मनुष्य अधार्मिक होता है इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से जो ये कर्म बताए गए हैं उनमें से कुछ को करने से और कुछ को ना करने से मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है अब जिन जिन कारणों के होने पर इन कर्मों को करते रहने पर भी मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होते उनका वर्णन सुनो यदि युद्ध स्थल में वेद वेदांतों का पारगामी विद्वान ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आए तो स्वयं भी उसको मार डालने की चेष्टा करे इससे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है कुंती नंदन इस विषय में वेद का एक मंत्र भी पढ़ा जाता है मैं तुमसे उसी धर्म की बात कहता हूं जो वैदिक प्रमाण से विहित है जो ब्राह्मणोचित आचार से भ्रष्ट होकर आतताई बन गया हो हाथ में हथियार लेकर मारने आ रहा हो ऐसे ब्राह्मण को मारने से ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगता क्रोध ही उसके क्रोध का सामना करता है अनजाने में अथवा प्राण संकट के समय भी यदि मदिरा पान कर ले तो बाद में धर्मात्मा पुरुषों की आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए हे नंदन यही बात अन्य सब अभक्ष भक्षणों के विषय में भी कही गई है प्रायश्चित कर लेने से सब शुद्ध हो जाता है गुरु की आज्ञा से उन्हीं के प्रयोजन की सिद्धि के लिए गुरु की शैया पर शयन करने वाला मनुष्य दूषित नहीं है उदालक ने अपने पुत्र श्वेत केतु को शिष्य द्वारा उत्पन्न कराया था चोरी सर्वथा निषिद्ध है किंतु आपत्ति काल में कभी गुरु के लिए चोरी करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता है यदि मन में कामना रखकर बारंबार उस चौर्य कर्म में वो प्रवृत्त ना होता हो तो आपत्ति के समय ब्राह्मण के सिवा किसी दूसरे का धन लेने वाला मनुष्य पाप का भागी नहीं होता है जो स्वयं उस चोरी का अन्न नहीं खाता वो भी दोष से लिप्त नहीं होता है अपने या दूसरों के प्राण बचाने के लिए गुरु के लिए एकांत एक में अपनी स्त्री के पास विनोद करते समय अथवा विवाह के प्रसंग में झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता है यदि इसी कारण से स्वप्न में वीर्य स्खलित हो जाए तो इससे ब्रह्मचारी के लिए दोबारा व्रत लेने उपनयन संस्कार कराने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए प्रज्वलित अग्नि में घी का हवन करना प्रायश्चित बताया गया है यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या सन्यास ले ले तो उसके अविवाहित रहते हुए भी छोटे भाई का विवाह कर लेना दोष की बात नहीं है संतान प्राप्ति के लिए स्त्री द्वारा प्रार्थना करने पर यदि कभी पर स्त्री संगम किया जाए तो वो धर्म का लोप करने वाला नहीं होता है मनुष्य को चाहिए कि वो व्यर्थ ही पशुओं का वध ना करे और ना कराए विधि पूर्वक किया हुआ पशुओं का संहार उन पर अनुग्रह है यदि अनजाने में किसी अयोग्य ब्राह्मण को दान दे दिया जाए अथवा योग्य ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान न दिया जा सके तो वो दोष कारक नहीं होता यदि व्यभिचारिणी स्त्री का तिरस्कार किया जाए तो वो दोष की बात नहीं है उस तिरस्कार से स्त्री की तो शुद्ध होती है और पति भी दोष का भागी नहीं होता सोमरस के तत्व को जानकर यदि उसका विक्रय किया जाए तो बेचने वाला दोष का भागी नहीं होता जो सेवक काम करने में असमर्थ हो जाए उसे छोड़ देने से भी दोष नहीं लगता गऊ की सुविधा के लिए यदि जंगल में आग लगाई जाए तो उससे पाप नहीं होता है भरत नंदन ये सब तो मैंने वो कर्म बताए हैं जिन्हें करने वाला दोष का भागी नहीं होता है अब मैं विस्तार पूर्वक प्राश्चितों का वर्णन करूंगा इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्रायश्चित के प्रकरण में चौतीसवां अध्याय पूरा हुआ पैतीसवां अध्याय पाप कर्म के प्रायश्चितों का वर्णन व्यास जी बोले भरत नंदन मनुष्य तप से यज्ञ आदि सत्कर्मों से तथा दान के द्वारा पाप को धो बहाकर अपने आप को पवित्र कर लेता है परंतु तभी संभव होता है जब वो फिर से पाप में प्रवृत्त ना हो यदि किसी ने ब्रह्म हत्या की हो तो वो भिक्षा मांगकर एक समय भोजन करे अपना सब काम स्वयं ही करे हाथ में खप पर और खाट का पाया लिए रहे सदा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे उद्यमशील बना रहे किसी के दोष न देखे जमीन पर सोए और लोक में अपना पाप कर्म प्रकट करता रहे इस प्रकार बारह वर्ष तक करने से ब्रह्म हत्यारा पाप मुक्त हो जाता है अथवा प्रायश्चित बताने वाले विद्वानों की या अपनी इच्छा से शस्त्रधारी पुरुषों के अस्त्र शस्त्रों का निशाना बन जाए अथवा अपने को प्रज्वलित आग में झोंक दे अथवा नीचे सिर किए किसी भी एक वेद का पाठ करते हुए तीन बार सौ सौ योजन की यात्रा करें अथवा किसी वेद वेदता ब्राह्मण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दे या जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त धन अथवा सब सामानों से भरा हुआ घर ब्राह्मण को दान कर दे इस प्रकार गौं और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है यदि ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष कृच्छ व्रत के अनुसार भोजन करे तो छह वर्षों में वो शुद्ध हो जाता है और एक एक मास में एक एक कृच्छ व्रत का निर्वाह करते हुए भोजन करे तो वो तीन ही वर्षों में पाप मुक्त हो जाता है यदि एक एक मास पर भोजन क्रम बदलते हुए अत्यंत तीव्र कृच्छ व्रत के अनुसार अन्न ग्रहण करे तो एक वर्ष में ही ब्रह्म हत्या से छुटकारा मिल सकता है इसमें संशय नहीं है राजन इसी प्रकार यदि केवल उपवास करने वाला मनुष्य हो तो उसकी स्वल्प समय में ही शुद्धि हो जाती है अश्वमेध यज्ञ करने से भी ब्रह्म हत्या का पाप शुद्ध हो जाता है इसमें संशय नहीं है जो इस प्रकार के लोग महायज्ञों में अवभ्रथ स्नान करते हैं वो सभी पाप मुक्त हो जाते हैं ऐसा श्रुति का कथन है जो पुरुष ब्राह्मण के लिए युद्ध में प्राण दे देता है वो भी ब्रह्म हत्या से छूट जाता है ब्रह्म हत्यारा होने पर भी जो सुपात्र ब्राह्मणों को एक लाख गऊ का दान करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है जो दूध देने वाली पच्चीस हजार कपिला गऊ का दान करता है वो समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है जब मृत्युकाल निकट हो उस समय सदाचारी दरिद्र ब्राह्मणों को दूध देने वाली एक हजार सवत्सा गौं का दान करके भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है भूपाल जो संयम नियम से रहने वाले ब्राह्मणों को सौ काबुली घोड़ों का दान करता है उसे भी पाप से छुटकारा मिल जाता है भरत नंदन जो एक ब्राह्मण को भी उसकी मनोवांचित वस्तु दे देता है और देकर फिर उसकी कहीं चर्चा नहीं करता वो भी पाप से मुक्त हो जाता है जो एक बार मदिरा पान करके फिर आग के समान गर्म हुई मदिरा पी लेता है वो इहलोक और परलोक में भी अपने को पवित्र कर लेता है जलहीन देश में पर्वत से गिरकर कर अथवा अग्नि में प्रवेश करके या महाप्रस्थान की विधि से हिमालय में गल कर प्राण दे देने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। मदिरा पीने वाला ब्राह्मण नामक यज्ञ करके शुद्ध होने पर ब्रह्मा जी की सभा में जा सकता है ऐसा श्रुति का कथन है राजन जो मदिरा पी लेने पर ईर्षा द्वेष से रहित हो भूमिदान करे और फिर कभी उसे न पिए वो संस्कार करने के पश्चात शुद्ध होता है गुरु पत्नी गमन करने वाला मनुष्य तपाई हुई लोहे की शिला पर सो जाए अथवा अपनी मूत्रेंद्रिय काट कर ऊपर की ओर देखता हुआ आगे बढ़ता चला जाए इस प्रकार शरीर छूट जाने पर वो उस पाप कर्म से मुक्त हो जाता है स्त्रियां भी एक वर्ष तक मिताहार एवं संयम पूर्वक रहने पर उक्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाती हैं जो महाव्रत का एक महीने तक जल ना पीने के नियम का पालन करता है ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है अथवा गुरु के लिए युद्ध में मारा जाता है वो अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है झूठ बोलकर जीविका चलाने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला पुरुष गुरु जी को मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर ले तो उस पाप से मुक्त हो जाता है जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया हो वो ब्रह्मचारी उस दोष की निवृत्ति के उद्देश्य से ब्रह्म हत्या के लिए बताए हुए व्रत का आचरण कर सकता है पराई स्त्री तथा पराए धन का अपहरण करने वाला पुरुष एक वर्ष तक कठोर व्रत का पालन करने पर उस पाप से मुक्त होता है जिसके धन का अपहरण करे उसे अनेक उपाय करके उतना ही धन लौटा दे तो उस पाप से छुटकारा मिल सकता है बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई और उसका वो बड़ा भाई ये दोनों मन को संयम में रखते हुए बारह रात तक कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करने से शुद्ध हो जाते हैं इसके सिवा बड़े भाई का विवाह होने के बाद पहले का ब्याह हुआ छोटा भाई पितरों के उद्धार के निमित्त विवाह संस्कार करे ऐसा करने से उस स्त्री के कारण उसे दोष नहीं प्राप्त होता और न वो स्त्री ही उसके दोष से लिप्त होती है चौमासे में एक दिन का अंतर देकर भोजन करने का विधान है उसके पालन से स्त्रियां शुद्ध हो जाती हैं ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का कथन है यदि अपनी स्त्री के विषय में पापाचार की आशंका हो तो विज्ञ पुरुष को रजस्वला होने तक उनके साथ समागम नहीं करना चाहिए रजस्वला होने पर वो उसी प्रकार शुद्ध हो जाती हैं जैसे राख से मांझा हुआ बर्तन यदि कांसे का बर्तन शूद्र के द्वारा जूठा कर दिया जाए अथवा उसे गाय सूंघ ले अथवा किसी के कुल्ला करने से वो जूठा हो जाए तो वो दस वस्तुओं से शोधन करने पर शुद्ध होता है ब्राह्मण के लिए चारों पादों से युक्त संपूर्ण धर्म के पालन का विधान है तात्पर्य ये, ये, है कि वो शौचाचार या आत्मशुद्धि के लिए किए जाने वाले प्रायश्चित का पूरा पूरा पालन करे क्षत्रिय के लिए एक पाद कर्म का विधान है इसी तरह वैश्य के लिए उसके दो पाद और शूद्र के लिए एक पाद के पालन की विधि है उदाहरण के तौर पर जहां ब्राह्मण के लिए चार दिन उपवास का विधान हो वहां क्षत्रिय के लिए तीन दिन वैश्य के लिए दो दिन और शूद्र के लिए एक दिन का उपवास का विधान समझना चाहिए इसी प्रकार इन पापों के गौरव और लाघव का निश्चय करना चाहिए पशु पक्षियों का वध और दूसरे दूसरे बहुत से वृक्षों का उच्छेद करके पाप युक्त हुआ पुरुष अपनी शुद्धि के लिए तीन दिन तीन रात केवल हवा पी कर रहे और अपना पाप कर्म लोगों पर प्रकट करता रहे हे राजन जो स्त्री समागम करने के योग्य नहीं है उसके साथ समागम कर लेने पर का विधान है। उसे प्राय महीने तक गीला वस्त्र पहनकर घूमना और राख के ढेर पर सोना चाहिए जितने ना करने योग्य पाप कर्म हैं, उन सब के लिए यही विधि है ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई विधि से दृष्टांत बताने वाले शास्त्रों की युक्तियों से इसी तरह पाप शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए जो पवित्र स्थान में मिताहारी हो हिंसा का सर्वथा त्याग करके राग द्वेष मान अपमान आदि से से शून्य हो, मौन भाव से गायत्री मंत्र का जप करता हो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य को चाहिए कि वो दिन में खड़ा रहे रात में खुले मैदान में सोए तीन बार दिन में और तीन बार रात में वस्त्रों सहित जल में घुसकर स्नान करे और इस व्रत का पालन करते समय स्त्री शूद्र और पतित से बातचीत ना करे ऐसा नियम लेने वाला द्विज हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है मनुष्य शुभ और अशुभ जो कर्म करता है उसके पांच महाभूत साक्षी होते हैं उन शुभ और अशुभ कर्मों का फल मृत्यु के पश्चात उसे प्राप्त होता है उन दोनों प्रकार के कर्मों में जो अधिक होता है उसी का फल कर्ता को प्राप्त होता है इसलिए यदि मनुष्य से अशुभ कर्म बन जाए तो वो दान तपस्या और सत्कर्म के द्वारा शुभ फल की वृद्धि करे जिससे उसके पास अशुभ को दबाकर शुभ का ही संग्रह अधिक हो जाए मनुष्य को चाहिए कि वो शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करे पाप कर्म से सर्वथा दूर रहे तथा प्रतिदिन निष्काम भाव से धन का दान करे ऐसा करने से वो पापों से मुक्त हो जाता है मैंने तुम्हारे सामने पाप के अनुरूप प्रायश्चित बतलाया है परंतु महापातकों से भिन्न पापों के लिए ही ऐसा प्रायश्चित किया जाता है राजन भक्ष्य अभक्ष्य वाच्य और अवाच्य तथा जानबूझकर और बिना जाने किए हुए पापों के लिए ये प्रायश्चित कहे गए हैं विज्ञ पुरुष को समझकर इनका अनुष्ठान करना चाहिए जानबूझकर किया हुआ सारा पाप भारी होता है और अनजाने में वैसा पाप बन जाने पर कम दोष लगता है इस प्रकार भारी और हल्के पाप के अनुसार ही उसके प्रायश्चित का विधान है शास्त्रोक्त विधि से प्रायश्चित करके सारा पाप दूर किया जा सकता है परंतु यह विधि आस्तिक और श्रद्धालु पुरुष के लिए ही कही गई है जिनमें दंभ और द्वेष की प्रधानता है उन नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुषों के लिए कभी ऐसा प्रायश्चित का विधान नहीं देखा जाता है धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष सिंह जो इह लोक और परलोक में सुख चाहता हो उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचार तथा उनके उपदेश किए हुए धर्म का सदा ही सेवन करना चाहिए हे नरेश्वर तुमने तो अपने प्राणों की रक्षा धन की प्राप्ति अथवा राजोचित कर्तव्य का पालन करने के लिए ही शत्रुओं का वध किया है अतः इतना ही पर्याप्त कारण है जिससे तुम पाप मुक्त हो जाओगे अथवा यदि तुम्हारे मन में उन अतीत घटनाओं के कारण कोई घृणा या ग्लानी हो तो उनके लिए प्रायश्चित कर लेना परंतु इस प्रकार अनार्य पुरुषों द्वारा सेवित खेद या रोष के वशीभूत होकर आत्महत्या ना करो वैशंपान जी कहते हैं जन्मेजय भगवान व्यास के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने दो घड़ी तक कुछ सोच विचार करके तपोधन व्यास जी से इस प्रकार कहा इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में प्राश्चित वर्णन के प्रसंग में पैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ